शाम के वेज आज हम बनाएंगे आलू के कबाब। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं और ये तकरीबन 1.5 प्याज है चॉप किया हुआ, जिसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसको अंदर डाल देंगे और उसके बाद मैं इसमें जो मसाले डाल रही हूँ उनमें नमक जो है वो अपने जायके के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। साथ में मैंने सूखा धनिया लिया तकरीबन 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब जीरा है, 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला है, 1 चुटकी के करीब अजवाइन है, 1/2 चम्मच के करीब दादरी मिर्च है, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च है और साथ ही साथ मैंने 3 छोटी हरी मिर्चें काटी हैं और 1/4 चम्मच के करीब इसमें मैंने मेथी ली है, सूखी मेथी। अब इन सब चीज़ों को मैं इस तरह से, अनारदाना भी मैंने लिया है इसके अंदर 1 चम्मच के करीब डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैं इसको इससे ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं हल्का हल्का उसको पहले प्रेस करूँगी और उसके बाद हाथ से मिक्स करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको शेप देंगे और फिर अंडा लगा कर फ्राई कर देंगे। आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं, चाहे हरी केचप के साथ आप ले सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, स्लाइस में लगा कर सैंडविच के तौर पर भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी, जिस तरह से आपको इजी लगे आप खा सकते हैं। अब हम इसको शेप देंगे, इस तरह से पेला करना है और फिर मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया और प्रेस करने के बाद हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। आपकी मर्जी है, आप शेप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी शेप है, इसलिए मैंने यही कबाब की शेप दी है। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे और फिर इसको अंडा लगा कर फ्राई करेंगे। ये देखिए, मेरे कबाब बन गए हैं। अब मैं इसको, एक अंडा मैंने लिया है जिसमें मैंने पिंच के बराबर नमक और पिंच के बराबर ही दादरे में डाली है और मेरा ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं उसमें इसको फ्राई करूँगी, पलट दूँगी। मैंने अंडा लगा कर इन्हें घी में रखा है और ये नॉर्मल मैंने हीट रखी हुई, लेकिन मेरा घी गरम है इसलिए वो आसानी से उन पर इतना कलर आ गया है। इस तरह का कलर आपने अपने कबाब को लाना है। इस तरह से मैं साइड कर रही हूँ ताकि वो सेक से ही पक जाए। इसी तरह मैं और कबाब इस पर डालूँगी। इस तरह से मैंने इसको 2 बार किया और फिर इस तरह से इसको डाल दिया। इसी तरह से मैं सेम प्रोसीजर अगेन करूँगी। ये देखें, मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इस तरह से मैंने प्रेजेंट किए। होप सो यू एंजॉयड। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।